जैसे जो सबकी हेल्प करना चाहे उसको काइंड बोलते हैं जिसके, अंद, जिसके अंदर जिसके सब अंदर सबके लिए प्यार और हेल्प करने की इच्छा हो तो ऐसा ही एक काइंड ट्री था एक दयालु ट्री था ट्री मतलब पेड़ नाउ लेट्स रीड द स्टोरी मुन्ना टुन्ना मुन्नी एंड टुन्नी लव बिग बैनियन ट्री मुन्ना टुन्ना मुन्नी एंड ये चार बच्चों के नेम है दीज आर द नेम ऑफ फोर चिल्ड्रन लव द बिग बैनियन ट्री इन दिस स्टोरी देर इज अ बिग बैनियन ट्री ये है बैनियन ट्री जिसको हिंदी में बरगद का पेड़ भी बोलते हैं तो ये बहुत बड़ा बिग बैनियन ट्री है और ये जो चार बच्चे हैं मुन्ना टन्ना मुन्नी टुन्नी ये आ, ये सारे चारों बच्चे इस बैनियन ट्री को इस बरगद के पेड़ को बहुत प्यार करते हैं ये उनका फेवरेट ट्री होता है वैन इट इज हॉट इट इज कूल अंडर द ट्री वैन इट इज हॉट इट इज कूल अंडर द ट्री जब गर्मी होती है हॉट गर्मी होती है इट इज कूल ये बहुत ठंडा होता है अंडर द ट्री पेड़ के नीचे बहुत ठंडा होता है जब गर्मियों में समर्स uh, में बहुत गर्मी होती है तो पेड़ के नीचे तो ठंडा लगता ही है द चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ ओल्ड द ट्री इज द चिल्ड्रेन चिल्ड्रन मतलब बच्चे वो द, जो बच्चे हैं डू नाट नो उनको नहीं पता हाउ ओल्ड द ट्री इज़ ये जो बैनियन ट्री है बरगद का पेड़ ये कितना पुराना है उन बच्चों को नहीं पता डोंट नो नहीं पता बट देू नो इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड मगर उनको ये तो पता है कि ये जो इट मतलब उस बैनियन ट्री के लिए यूज़ हुआ है इट इज़ वेरी वेरी ओल्ड उनको ये पता है नो मतलब उनको ये पता है कि ये बहुत बहुत पुराना है बैनियन ट्री कितना पुराना है वो नहीं पता देअर फोर ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो डू नॉट नो हाउ ओल्ड इट इज़ देयर मतलब उनके उन बच्चों की बात हो रही है देयर फोर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो दादू दादी नानी नानू हो नानू नानी होते हैं उनके भी जो ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रैंड पेरेंट्स उनको बोल देते हैं फोर ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पीढ़ी के भी पीढ़ी पीछे ऑल्सो डू नॉट नो उनको भी नहीं पता हाउ ओल्ड इट इज़ कि ये जो बैनियन ट्री है ये कितना पुराना है इट इट मीन्स ये बहुत 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 ईयर्स पुराना बैनियन ट्री है बट दे डू नो इट इज़ वेरी ओल्ड लेकिन वो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो फोर ग्रैंड पेरेंट्स बहुत पुराने वाले जो दादा दादी नाना नानी हैं उनको भी पता है कि ये बहुत पुराना है मतलब जब वो छोटे होंगे तब भी ये बैनियन ट्री था तो मतलब ये इतना पुराना वैनियन ट्री है एवरी वन सिट्स अंडर द ट्री एंड टॉक्स एवरी वन मतलब हर कोई सिट्स बैठता है अंडर द ट्री ट्री के नीचे अंडर मतलब नीचे एंड टॉक्स और बातें करते हैं हर कोई इस पेड़ के नीचे बैठता है और बात करता है समटाइम्स दे ईट एंड ड्रिंक एज वेल अंडर द बनियन समटाइम्स कभी कभी दे ईट दे का मतलब यहाँ पर मतलब कोई भी इंसान की बात करें मतलब वो लोग जो भी यहाँ पे आते हैं इसके नीचे बैठते हैं बातें करते हैं और कभी कभी वो लोग जो भी आता है उसके नीचे बैठने ईट एंड ड्रिंक खाते हैं और पीते भी हैं अंडर द बनियन ट्री मतलब पेड़ के नीचे बैठ के इस बैनियन ट्री के नीचे बैठ के खाते हैं और पीते भी हैं दे ईट एंड ड्रिंक मैनी Animals and birds live in this tree. Many animals, bahut sare many matlab bahut bahut sare animals janwar and birds pakshi live रहते हैं in this tree. इस banyan tree में बहुत सारे animals और birds रहते हैं. ये उनका house है. The birds sing. एंड द मंकीज़ प्ले बर्ड्स सिंग जो बर्ड्स हैं वो गाना गाते हैं और जो मंकीज़ हैं बंदर वो खेलते हैं इस बैनियन ट्री के आसपास इसके ऊपर नीचे यहाँ पर खेलते हैं द माइस माइस होते हैं चूहे का प्लूरल वर्ड माउस का प्लूरल वर्ड माइस मतलब बहुत सारे चूहे प्लूरल वर्ड द माइस स्क्वेरल्स स्क्वेरल्स होती हैं गिलहरियाँ स्क्रल्स हो गया तो गलेहेरिया बहुत सारी एंड इंसेक्ट्स कीड़े छोटे छोटे टू प्ले अराउंड इट द माइस चूहे गिलैरिया स्क्वेर एंड इंसेक्ट्स कीड़े टू प्ले अराउंड इट इसके आस पास खेलते हैं अराउंड इट मतलब उसके आस पास या उसी में ही खेलते रहते हैं इसी बैनियन ट्री के अराउंड मुन्ना टुन्ना मुन्नी एंड टी लव द बैनियन ट्री मुन्ना टुन्ना मुन्नी एंड टुन्नी इन चारों बच्चों को ये बैनियन ट्री बहुत पसंद था बहुत प्यारा था uh, और यू कैन से प्यारा है मतलब यहाँ पर कोई टेंस की बात नहीं हो रही बहुत अच्छा लगता है बहुत पसंद है बहुत प्यारा है उनको ये वाला पेड़ बरगद का पेड़ नो कैन कट आवर बेस्ट फ्रेंड द बैनियन से द चिल्ड्रन से द चिल्ड्रन मतलब वो बच्चे चारों बच्चे बोलते हैं नो बडी कोई भी नहीं नो बडी कैन कट कोई भी इस बैनियन ट्री को uh, इस बैनियन ट्री के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया आवर मतलब हमारा बेस्ट फ्रेंड उन्होंने उन बच्चों ने बोला कि कोई भी हमारा हमारे बेस्ट फ्रेंड बैनियन ट्री को कट नहीं कर सकता नो बडी कैन कट आवर बेस्ट फ्रेंड बैनियन ट्री से द चिल्ड्रन नाउ एज यूजल आई हैव टेकन दिस स्टोरी फ्रॉम इंग्लिश स्किल्स पार्ट टू इफ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक आई विल लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको ये बुक खरीदनी है अगर आपको ये बुक अच्छी लगी आप इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से परचेज कर सकते हो इस स्टोरी के बाद भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप सॉल्व करके कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो नाउ यू मस्ट वॉच दिस वीडियो अगेन एंड प्रैक्टिस रीडिंग द काइंड ट्री विथ स्पीड ठीक है स्लो स्लो रीड मत करना ट्राई टू रीड विथ स्पीड बाय फनाओ